नैना क्या तस्वीरें आप देख पा रही हैं, क्योंकि शिव भक्त महाशिवरात्रि का इंतजार पूरे साल भर करते हैं, और महाकालेश्वर के दर की बात की जाए तो वहां पर आज बहुत मोहक श्रृंगार किया जाता है भगवान भोलेनाथ का। अगर आप तस्वीरें दिखा पाए क्या तैयारियां हैं आज, और आज उज्जैन एक बड़े इतिहास का साक्षी बनने जा रहा है। बिल्कुल अनुराग, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जब महाकाल के दरबार की बात होती है, महाशिवरात्रि की बात होती है, हम सभी जानते हैं भक्तों का तांता यहाँ पर कैसा लगता है, क्योंकि अब 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा महाकाल की एक अलग ही छटा और एक अलग ही महत्वता नजर आती है। यही वजह है कि जब बाबा महाकाल या फिर एक आज शिव पार्वती विवाह के अगर उत्सव की बात हो तो विशेष श्रृंगार जब आज भस्मारती हुई तो बाबा महाकाल को यहाँ पर दूल्हे के रूप में सजाया गया था। और इसके अलावा सर थोड़ा सा साइड हो जाइए, और इसके अलावा आज भी एक अलग रिकॉर्ड बनाने की तैयारी यहाँ पर नजर आती है। और आपको बताते चले कि जिस तरह से यहाँ पर श्रृंगार में अभी भी 6 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अभी तक पहुँच चुके हैं, और ये एक नया रिकॉर्ड आज के साथ ही बनने जा रहा है। मेरे साथ में महाकाल दरबार के जो महंत है प्रदीप गुरु जी मौजूद हैं। प्रदीप जी, आज बाबा महाकाल का खास तौर से विशेष श्रृंगार किया गया, महाशिवरात्रि पर क्या विशेष है? भगवान महाकालेश्वर जी के इस पावन ज्योतिर्लिंग पे भगवान महाकालेश्वर जी के दर्शनार्थ लाभ लेने के लिए आम जनता जनार्दन पूरे विश्व के लोग यहाँ पे भगवान के लिए पधार रहे हैं, वो भगवान महाकालेश्वर जी के दर्शन लाभ ले रहे हैं। भगवान आज विशेष श्रृंगार किया गया था, आज विशेष श्रृंगार में क्या हुआ? आज विशेष श्रृंगार में भगवान का सुबह प्रातः काल भस्म आरती से लेकर रात चारों प्रहर की पूजन होगी, विशेष महापूजन होगी, और भगवान महाकालेश्वर जी को रात को महापूजन के बाद फिर सेहरे का श्रृंगार किया जाएगा। और कहा जा रहा है कि इस बार शिवरात्रि वाले दिन भस्म आरती नहीं होती। भगवान भोलेनाथ के यहाँ जो प्रातः काल शिवरात्रि के दिन जो भस्म आरती होती है वो भस्म आरती होगी, वो कल होने वाली भस्म आरती कल दिन में 12 बजे होगी, साल भर में एक ही बार। प्रदीप जी, एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रहा है महाकाल का दरबार। भगवान महाकालेश्वर जी के इस पावन ज्योतिर्लिंग पे पूरी नगरी शिवमय है, और ज्योतिर्लिंग के शिव के भांति यहाँ पे समस्त जन के जन कल्याण करने के लिए भगवान महाकालेश्वर जी दर्शनार्थियों को दर्शनार्थ के लिए दर्शन दे रहे हैं। 21 जी बिल्कुल, और देखिए अनुराग, इसके साथ ही 21 लाख दिए प्रज्वलित कर एक नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी की जा रही है। आप लोग कहाँ से? बैंगलोर से आए हैं, तो आप लोग विशेष यहाँ पर आए, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, स्पेशली महाशिवरात्रि के लिए महाशिवरात्रि के लिए आया। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक अनुराग महाकाल का दरबार सजता है, और जैसा हम सभी जानते हैं कि कालों में काल महाकाल कहे जाते हैं, हर एक ज्योतिर्लिंग का अपना महत्व है, लेकिन विशेष तौर से अगर हम बाबा महाकाल की बात करें तो यहाँ पर दर्शन करने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों से लोग आते हैं। और बताया जा रहा है कि कल से लेकर अभी तक 6 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, और ये अभी तक आने वाले वक्त में 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं का यहाँ पर आंकड़ा बनता हुआ नजर आता है। तैयारियां काफी बड़े स्तर पर की गई है, क्योंकि आज एक नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है, और कहा जाता है कि आज जब बाबा महाकाल का श्रृंगार हुआ तो उसमें वो शिव पार्वती के साथ में जब विवाह के लिए जाते हैं तो उस दौरान जो सहरा सजाया जाता है, आज भस्म आरती में उनका वही श्रृंगार था। भीड़ अत्यंत ज्यादा है, इस वजह से अब जो दर्शन का समय है वो सीमित किया गया है, 11 से 12 बजे तक ही यहाँ पर नंदी हॉल तक आके श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त बाहर की तरफ ही लोग दर्शन कर सकते हैं, कार्तिकेय मंडपम तक ही दर्शन किए जा सकेंगे, लेकिन हमने देखा कि लोग देर रात से ही दूर दूर से यहाँ पर आकर कतारों में लगे हुए थे, बस अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए, बाबा के दर्शन करने के लिए, उनका आशीर्वाद पाने के लिए यहाँ पर लोग आए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश में सिर्फ बाबा महाकाल के दर पर इतनी भीड़ है, एक और ज्योतिर्लिंग है ओंकारेश्वर, वहाँ पर भी इसी तरह से विशेष तैयारियां की गई, विशेष बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे। इसके अलावा ये भी कहा जाता है जगह जगह रुद्राभिषेक का भी आज विशेष महत्व माना जाता है। आचार्य जी, आज का पूजन क्या लाभ देता है? आज जो शिव और शक्ति का जो संयुक्त रूप है वो भगवान शिव हैं, इसलिए भगवान आदि शंकर कहते हैं शिव शक्त्या युक्तो, तो भगवान शिव और शक्ति एक हैं, और हम समझते हैं कि आज का ही ये दिन है जो शिव और शक्ति का जो मूल स्वरूप है भगवान शिव का, आज महाशिवरात्रि के पर्व पर आज वर्ष में एक बार भगवान शिव अपने संपूर्ण शिव और शक्ति का जो स्वरूप है इसको
उसका निमित्त तो एक होकर। आचार्य जी आज विशेष संयोग भी बन रहा है। आज विशेष संयोग है भगवान महाकाल और पूरे शिव तत्व का आज विशेष संयोग है और आज जो आज प्रदोष और शिवरात्रि पढ़ना बिल्कुल तो, और इसीलिए आज ज्यादा से ज्यादा लोग दर्शन लाभ ले लेना चाहते हैं नैना बाबा महाकाल को लेकर कहा जाता है कि काल उसका क्या करे जो भक्त महाकाल का और कहा जाता है कि काल सिर्फ दर्शन भर से दूर हो जाता है। बहुत शुक्रिया नैना आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।